जनपद संभल की चंदौसी में अखिल भारतीय व्यापार मंडल ने रोडवेज की बसों में किराए की बढ़ोतरी के विरोध में प्रदर्शन कर बढ़े हुए किराए की वापसी की मांग की। एक तरफ जनता वैसे ही महंगाई की मार झेल रही है, दूसरी तरफ रोडवेज बसों के किराए में बढ़ोतरी करके सरकार ने सीधे सीधे जनता की जेब पर हाथ डाला है। आपको बताएं कि बीते दिनों सरकार ने रोडवेज बसों के किराए में बढ़ोतरी की है, जिसके विरोध में जनपद संभल की चंदौसी में अखिल भारतीय व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने बढ़े हुए किराए के विरोध में एकत्रित होकर रोडवेज बस स्टैंड पर प्रदर्शन किया और बढ़े हुए किराए की वापसी की मांग की। इस पर अखिल भारतीय व्यापार के प्रतिनिधि ने बताया कि एक तो जनता वैसे ही महंगाई की मार झेल रही है और दूसरी तरफ रोडवेज की बसों का किराया बढ़ा दिया है। हमारी सरकार से मांग है कि सरकार बढ़े हुए किराए को वापस लेकर आम जनता पर पड़ने वाले इस बोझ को कुछ कम करने का काम करे। आप किराए को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, रोडवेज का क्या मामला? मामला सिर्फ यही है। आज हमारा उद्देश्य कि व्यवस्था आज की डेट में व्यापार की इतनी ख़राब हो चुकी है, लोग महंगाई से त्रस्त हैं और उसके बाद ये रोडवेज की बस सेवा का इतना पैसा बढ़ना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सीधे सीधे आम आदमी को परेशान कर रहा है। हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि जो किराया बढ़ाया गया है इसको कम किया जाए और उसी व्यवस्था को चलने दिया जाए, क्योंकि इस समय वास्तव में महंगाई बहुत आगे बढ़ चुकी है, व्यापारों की स्थिति बहुत ख़राब है। इसी मांग के साथ हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, पूरा व्यापारी समाज, अखिल भारतीय व्यापार मंडल। धन्यवाद। लोग इकट्ठे हुए हैं कर रहे हैं आपकी किराए को लेकर, ये रोड को किराया बढ़ाया, क्या है प्रबंधन? आज अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने जो ये रोडवेज का किराया बढ़ाया है, इसके विरोध में सरकार से मांग की है कि इस किराए को वापस किया जाए, क्योंकि आज जो स्थितियां व्यापार की हैं वो ये हैं कि व्यापार के साथ साथ आम जनता भी जो है वो महंगाई की मार से त्रस्त है। इसलिए आज हम मांग की है हमने सरकार से कि ये बढ़े हुए किराए को पुनः वापस लिया जाए। इसके बाद आगे जो है रणनीति बनाई जाएगी, जैसे भी है व्यापार मंडल बैठ के आपस में हम लोग रणनीति बनाएंगे, कैसे हम इस पे आंदोलन करेंगे।